हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अंकुश अरोड़ा व्लॉग। और कैसे आप सब भाई, होप बढ़िया होंगे। तो भाई, हमने संडे की राइड कैंसिल करके आज थर्सडे का प्लान बना लिया है नकोदर जाने का, क्योंकि भाई इतनी देर के बाद रोहन भाई का हाथ सेट किए हुआ है और उन्होंने कहा कि चलो नकोदर की राइड मार कर आते हैं, बहुत टाइम हो गया राइड नहीं की। ये जा रहे हैं आगे रोहन भाई, और वो आगे जा रहे हैं हमारे शिवम भाई, जो हमारे साथ मनाली की राइड पर गए थे। तो आगे एक और राइडर हमारी वेट कर रहा है, उसको ज्वाइन करते हैं। और पीछे भी एक राइडर है जो कि थोड़ा लेट हो जाएगा, वो हमें बाद में ज्वाइन कर लेगा। तो अभी हम यहाँ से आगे निकलते हैं। सो गाइस, वो देख रहे हो कितना आगे जा चुके हैं। और एक्चुअली मेरे एक्शन कैमरा जो GoPro, उसमें थोड़ा इशू आ गया था, इसलिए मैं रुक गया सेट करने के लिए। कोई बात नहीं, पकड़ लेंगे, 2 मिनट का खेल है। और अभी तो भाई पूरी स्पीड में जा रहे हैं। तो ये जा रहे हैं रोहन भाई हमारे, उनके आगे डोमिनार और उनसे आगे शिवम भाई V2 वाले। और ये देखो कह रहे आगे जाओ। आगे कहाँ जाए भाई, साथ साथ जाएंगे। तो पूरी फॉर्म में आज तो भाई हमारा, इतने चिरों के बाद बाइक चला रहा है। तो वाह बेड़े मौज कर दी। सो ये है हमारे डोमिनार वाले भाजी, जो कि न्यू हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। इनका है AVR ब्लॉग के नाम से चैनल है, और इंस्टा पे भी यही अकाउंट है। सो ये आगे शिवम पाजी, जो हमारे साथ मनाली राइड पे गए थे। सो सबको पीछे कर दिया बराबर, आगे बस इनकी बारी है और निकल रहे फिर आगे। सो गाइस, हम सबसे आगे चल रहे हैं अभी। और ये आप जो मिरर देख रहे हो, ये मैंने कल लगवाए हैं, बहुत ही बढ़िया प्राइस में मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने लगवा लिए। थोड़ी सी लुक भी आ जाएगी, पीछे देखने के काम तो नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ी लुक आ जाएगी अपने आप को देखने के लिए। सो अभी हम पहुँच चुके हैं लाडोवाल के फ्लाईओवर पर, और आगे से पेट्रोल पंप आएगा, वहाँ से हम रिफिल करवाते हैं अपनी बाइक्स, और फिर शाइन करते हुए निकल जाते हैं फटाफट। तो बाकी मैं आपसे बाइक की बात कर रहा था कि इसका थोड़ा बहुत अभी काम बहुत ही, मतलब कि बहुत ज़्यादा होने वाला है। एक्चुअली कोई लेके गया था और इतना गंदा ठोक के लाया कि कुछ भी बाइक का बचा नहीं। इसलिए यार आजकल ना किसी को भी अपना चीज़ देने से ना बहुत डर लगता है, और ले भी जाएंगे तो नुकसान करके आएंगे, फिर ठीक भी नहीं करवा के देते। तो भाई यार, किसी को चीज़ देने से पहले ना 100 बार सोच लेना आगे से, तो ही किसी को चीज़ देना। मैं बहुत ही ज़्यादा पछता रहा हूँ। और अभी यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक सा लग गया है, और यहाँ से कट वगैरह मार के निकलते हैं आगे। तो पेट्रोल रिफिल करवाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ये जो रास्ता आता है ना, इतना बढ़िया लगता है ना कि ऊपर से पेड़ जैसे एक साथ इकट्ठे हुए एकदम, उधर ना पहाड़ पता नहीं क्यों निकलता है, पहाड़ों में जाने का दिल कर रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो भाई बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं, हम भी चलते हैं 5 मिनट तो धो ही लगेंगे हमको।
उसकी हैंडलिंग इतनी बढ़िया है किसी वो पुल से फ्लाई ओवर से नीचे उतरे तो भाई पूरा हाथ छोड़ के नीचे उतार देगा, कोई पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप तो अगर रेस नहीं देनी है तो हम उन्हें नीचे लेके जानी है। आए हैं पहले यहाँ पे मत्था टेकेंगे फिर आगे जाएंगे। कर दोगे क्या व्यू आ रहे ना तो गाइस निकल दे हम अपना थोड़ी मत्था टेकिया सही लाडी लाडी से हम आप जा रहे हैं मुराद छड़ी से थोड़ा एंगल सेट कर लिए ना ओहो ठीक है बच्चा गाइस दर्शन हो गए बहुत बढ़िया ते निकल दे हूँ अपा
ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਹੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਾਇਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦਾ ਪਲੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਟਰੀ ਕੁਲਚੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ। भाई साहब का बबलू कट गया, चलो ये था मामा जी का कुलचा, न्यूट्री कुलचा, और यहाँ पे बबलू कट चुका हमारा। आज हम मामा जी के न्यूट्री कुलचे नहीं, राधे शाम के न्यूट्री कुलचे खाएंगे। तो यहाँ पे पास में एक और है, फास्ट फूड हम उसी से खाते हैं, न्यूट्री उनके पास ही न्यूट्री कुलचे होता है, तो उनके पास गए थे। यहाँ भी बबलू कट गया भाई, ये भी बंद पड़ा है। पपलू कट गए। तभी हम जा रहे हैं नान चले खाने, तो वो भी देख दे मतलब खोला मिले, वो तो मिल जाएगा शायद, वो तो सुबह 8-9 बजे शुरू हो जाता है, अभी 10 बज चुके हैं, तो देखते हैं। कट्ठे लाइए। तो अभी ना हमारे चलते चलते ना यहाँ से ये एक नटी गिर गया, पता नहीं चला, ये यहाँ पे लग रही थी, कल ही लगवाया क्योंकि इसका पता नहीं था कि टिकेगा या नहीं टिकेगा, तो इसका पक्का काम करवाना पड़ेगा, वो बाद में करवाते हैं अब।